नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सोनाली जोशी। वो कहते हैं ना, ये राजनीति है जनाब, यहाँ कब क्या बदल जाए कुछ नहीं पता। तभी तो शिवपाल सिंह यादव कुछ बदले बदले नजर आते हैं। जी हाँ, हमेशा से ही बीजेपी पर हमलावर रहने वाले शिवपाल सिंह यादव के सुर कहीं और ही छिड़ रहे हैं। एमएलसी चुनाव के दौरान वोट डालने के बाद जब शिवपाल यादव ने मीडिया से बातचीत की तो उन्हें वोटिंग को लेकर अच्छे दिन आने वाले हैं, ऐसा संकेत दिया। जी हाँ, देखिए इस रिपोर्ट। विधान परिषद की वोटिंग तो शुरू हो चुकी है, वहीं सीएम योगी ने भी अपना वोट डाल दिया है। ऐसे में तमाम नेता अपना अपना वोट डालने पहुंच रहे हैं। इसी बीच मीडिया से बातचीत करते हुए शिवपाल सिंह यादव, जी हां, हम प्रसपा नेता शिवपाल सिंह यादव की ही बात कर रहे हैं, उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए एक बड़ा बयान दिया है। जसवंत नगर सीट से विधायक शिवपाल यादव ने एमएलसी चुनाव के लिए सैफई ब्लॉक मतदान केंद्र पर वोट डाला है। किसको मतदान किया, पत्रकारों ने जब ये सवाल पूछा तो शिवपाल सिंह यादव ने जवाब दिया कि मतदान गुप्त होता है, बहुत जल्द ही उचित समय आने वाला है, तब बता दिया जाएगा। शिवपाल सिंह यादव ने ये भी कहा कि बहुत जल्दी अच्छा समय आने वाला है। बता दें कि पत्रकारों ने उनसे सवाल किया कि समाजवादी पार्टी ने चुनाव में धांधली का आरोप लगाया, इस पर उन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। समाजवादी पार्टी के निष्पक्ष मतदान के सवाल पर उन्होंने क्या कहा, बताते हैं आपको। उन्होंने कहा कि मुझे तो कहीं भी नहीं दिख रहा है कि मतदान में भेदभाव हो रहा है, मतदान सही हो रहा है। इसी दौरान उन्होंने आगे के कदम के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि बहुत जल्द उचित समय आएगा। अपनी खुशी को लेकर उन्होंने कहा कि बहुत ही जल्द आपको सूचना मिल जाएगी। शिवपाल सिंह यादव की समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव से बहुत दिनों से अनबन चल रही है। शिवपाल सिंह यादव समाजवादी पार्टी के विधायक दल की बैठक में ना बुलाए जाने से नाराज चल रहे हैं। हालांकि उन्हें सहयोगी दलों की बैठक में बुलाया गया था, लेकिन उसमें वो नहीं गए। उसके बाद सीएम योगी से मिलना, रामलला के दर्शन करना, ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि बहुत जल्द चाचा शिवपाल यादव सपा का दामन छोड़कर सीएम योगी के साथ बीजेपी में आ जाएंगे। अभी तक तो कुछ साफ नहीं है, लेकिन आगे आने वाले समय में शिवपाल यादव क्या भगवा रंग में रंग जाएंगे, क्या शिवपाल यादव ने बीजेपी को वोट डाला, बहुत जल्द ये सब साफ हो जाएगा। इस रिपोर्ट में मेरे साथ इतना ही। उत्तर प्रदेश की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।